एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करी हूँ एक मज़ेदार सा नया व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पुरानी क्लिपिंग दिखाती हूँ। कल मैंने अपनी जो वार्डरोब है ना, थोड़ी ऑर्गेनाइज करी थी एंड सॉर्ट करी थी। तो मैं डीक्लटरिंग वाले कपड़ों का क्या करती हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। वो पार्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर हालत मेरे वार्डरोब की हो रखी है, जिसमें ना तो अभी मेरी कोई बहुत साड़ियाँ रखी हुई हैं, ना मेरे इंडियन ड्रेसेस रखे हुए हैं और ना ही मेरे लहंगे रखे हुए हैं। उसके बाद ये इतना ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है। आप लोगों ने मंजर देख ही लिया है मेरी वार्डरोब का क्या हो रखा है। तो मतलब सामान आप इन शॉर्ट में बोलूँ तो पूरे वार्डरोब की हालत जो है वो बहुत ही अस्थिपंजर हो चुकी है। एक्चुअली मैं ऐसे ड्रेसेस जो मैंने 3 साल से नहीं पहने हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं कहीं ट्रिप पे जाऊँगी तब पहनूंगी, जो कि आया नहीं है। और अब ऑब्वियसली आपकी एज के साथ, टाइम के साथ आपका टेस्ट भी बहुत चेंज होता है। तो आज से जो 4 साल पहले मैं कपड़े पहनना पसंद करती थी, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल एनी मोर। आई डोंट लाइक टू वियर एकदम ऐसे चिपके चिपके टाइट कपड़े जो मेरे को पहले बहुत पसंद हुआ करते थे। मतलब बॉडी के एक एक पार्ट्स अलग अलग दिख जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनना मुझे अब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई लाइक टू वेयर स्मार्ट कैजुअल्स और जो थोड़े फैब्रिक में, अब मैं मोस्टली कॉटन पहनना पसंद करती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों को, मुझे नहीं लगता मैंने इतने साल से पहने तो मैं अब पहनने वाली हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट विद द डीक्लटरिंग एंड साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करना है मुझे। सारा जो ऑर्गेनाइज है वो कर लिया है। आपको ये वाला सेक्शन बताती हूँ, ये पूरा खाली कर दिया है मैंने। याद होगा ना बीच में जब मैं भोपाल में थी, बैक एंड फोर्थ हो रहा था मेरा डिसीजन कि मुझे वो सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड देन फिर लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं सेल करूंगी। निकाले थे ना जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, मतलब इनफैक्ट वेरो मोडा के टैग लगे हुए कपड़े। और ऐसा नहीं कि मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, ये कपड़े मैंने खरीदे नहीं है, ये मुझे कोलैबोरेशन के थ्रू आते हैं। जैसे मैं अमेजन का करती हूँ, कभी मिंत्रा के साथ करती हूँ, कभी अजियो के साथ करती हूँ, मीशो के साथ कर चुकी हूँ। तो इतने सारे कपड़े मैं अकेली पहनने वाली, अपने पास वालों को, जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनको तो मैं कर ही देती हूँ, जो मेरे पहचान वाले मेरे साइज के हैं। अब साइज भी तो मैटर करता है ना। टीनू मेरे साइज के कपड़े, टीनू और हम लोग फिर भी ऑलमोस्ट सेम साइज पहनते हैं, बट टीनू इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मिनिमल पर्सन, तो वो भी लेना ज्यादा पसंद नहीं करती है। तो और है मेरे आसपास में उनको दे देती हूँ। उसके बावजूद भी आई हैव लॉट ऑफ क्लोथ्स। तो मैं क्या करती हूँ, सेल तो मैं नहीं कर सकती यार, तो मैंने ना बैग है भर दिया है। मतलब इनफैक्ट मैंने अपने हैंडबैग्स भी सारे निकाल दिए, सिर्फ गिनती के 3 या 4 हैंडबैग रखे हैं, बाकी जो थोड़ी अच्छी कंडीशन में है ना, ताकि कोई और यूज़ कर ले। मैंने तो पिछले 2.5-3 साल से इसको यूज़ भी नहीं किया। कहूँगी तो यहाँ पर ना थाने में एक ऑर्फनेज है जहाँ पे 40 से 45 लड़कियाँ हैं, तो वहाँ पर 2 साल से लेकर के 22-23 साल तक की लड़कियाँ हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी जो कॉलेज जाती हैं, पढ़ रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं कोविड से पहले उन लोगों को डांस सिखाना चाहती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पुराने 2020 जनवरी फरवरी के व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड देन फिर कोविड आ गया था, तो वो चीज़ मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया था। एंड तब से लेके अब तक मैं सेटल ही नहीं हो पाई हूँ एक जगह पे, तो वो रह गया। तो इसलिए मेरे को ऑर्फनेज के बारे में पता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप गिव अवे कर दिया करो। यार आप सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, आपकी फैमिली है, सब कुछ है आप लोगों के पास, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, आपके पास मोबाइल है, आप उसको रिचार्ज करवा पा रहे हो। आप इस, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है या जहाँ मैं देख के आ रही हूँ उनको उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? मुझे लगता है उनको ज़्यादा ज़रूरत है। इमेजिन दे डोंट हैव देयर पेरेंट्स, वो कहीं और ही रह रहे हैं, कोई रिलेटिव नहीं है, कितनी बड़ी चीज़ है। तो मैं इसलिए वहाँ देती हूँ। तो मैंने ना इस बार क्या किया है, बहुत सारा मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होता है, जैसे लॉरियल का, मामर्थ का, बहुत शैम्पू और ये सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं चाहूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूट बहुत आराम से अपने आसपास फ्रेंड्स सर्कल में कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ पर्पसली, क्योंकि ये सब तो अफोर्ड कर सकते हैं यार, जहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और खुशी खुशी उनको यूज़ करेंगे, मैं उनको देना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। मैंने मेकअप का भी निकाला है, जैसे मेरे पास मॉम्स को वगैरह के काफ़ी अच्छे अच्छे क्रीम्स वगैरह, सब देके आ जाऊँगी मैं।
तो अभी ये जो पूरा वार्डरोब है ये ऑलमोस्ट पूरा ब्लैंक हो चुका है। बहुत अच्छा सुकून लग रहा है मुझे। मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अभी स्टफिंग कर दिया है सिर्फ। बहुत कुछ थोड़े एक्सपेंसिव वगैरह टॉप है तो मैं सोच रही हूँ उनको देखा जाएगा, तो उनको भी अभी मुझे सॉर्ट आउट करना है। नाउ अब आप पूछोगे खाली स्पेस का मैं क्या करूँगी, 3 बॉक्स चाहिए, उसमें विक्की का सारा सामान आ जाता है। तो आई एम थिंकिंग कि वो वाली वार्डरोब पूरी खाली करवा देती हूँ मैं, और यहाँ पर विक्की का स्टफ आ जाएगा, और 2 जो नीचे खाली बचे हैं उसमें मेरी बेडशीट्स आ जाएंगी आराम से। तो ये वार्डरोब हम पूरा हम दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे, और वो वार्डरोब हो जाएगा एकदम खाली। तो उसमें फिर देखेंगे, मतलब भरना थोड़ी ना है सब चीजें। यस एंड अब मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ बिकॉज नीचे बहुत ज्यादा मेस फैला हुआ है। okay, तो आज का दिन है ट्यूसडे, और आज मैं जा रही हूँ अभी अपनी फ्रेंड के साथ। एक्चुअली शादी, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि शादी हो रही है एंगेजमेंट हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है एंगेजमेंट इतना लार्ज स्केल पे क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली जो शादी है वो होने वाली है बाहर यूपी में, लेकिन जो एंगेजमेंट है वो यहाँ होगी। अब क्योंकि सारे रिलेटिव्स को लेकर के लखनऊ जाना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए एंगेजमेंट काफी लार्ज स्केल पे हो रही है, तो वो एक तरीके का रिसेप्शन टाइप हो जाएगा। आज जो है हमारी आ चुकी है यहाँ पर, मतलब मुंबई आ गई है वो, तो मैं निशा और वो हम तीनों जा रहे हैं, मतलब उसका भाई हमको ड्रॉप कर देगा, तो हम लोग जा रहे हैं यहीं पे हमारे घर के बिल्कुल पास में एनरिच है, एनरिच सैलों, तो वहाँ पर शायद नेल्स वेल्स करवाने के लिए। तो देखती हूँ मेरा मन हुआ तो मैं भी करवा सकती हूँ। वैसे मेरा मन है नहीं क्योंकि मुझे ऐसे बेयर नेल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली एनरिच काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो नई दुल्हन आई है उसका नाम शिवानी है, तो जो शिवानी आई है उसको करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या करवाते हैं। और निशा का अभी तुरंत फोन आया है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तो मैं इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। मैं फटाफट से ना रोटी खा जाती हूँ क्योंकि आने में पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, पार्लर वाले काम होते हैं अपने मोबाइल के कैमरे से। हे गाइस, तो निकल गई हूँ मैं। तो एक्चुअली कहानी उल्टी पड़ गई है, दुल्हन नहीं आई है, हम दूल्हे को लेके आए। नहीं, ये गलती थी, मैं इसलिए तो एक पैर पर रेडी होकर के आई। दुल्हन का एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। आई एम ऑलवेज एट गर्ल साइड। नहीं यार ऐसे मत करो यार, बेचारा दूल्हा क्या करे फिर। चलो चलो, तो दूल्हे को भी लेके आ गए ना, आ तो गई मैं। चलो दोस्तों, तो हम दूल्हे को लेके आए ग्लो अप कराने उसका। मैं संदीप से पूछ रही थी, संदीप ना हम लोगों से काफी छोटा है एज में, पर हम लोग बड़े हैं, बट हमारे अंदर जो हम दिखते हैं हम उसके सामने भी मेच्योर दिखते हैं, जबकि वो बहुत छोटा है लिटरली। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा संदीप ये तो नहीं सोचता कि हम पागल मिल गए एक दूसरे को। चलो, तो अभी एक नेल्स की बात करके आए, इतना सस्ता ऑफर चल रहा है ना, मतलब 1000 रुपीज़ में एक्रेलिक एक्सटेंशन विथ नेल पेंट्स कहीं नहीं मिलता। और पता है ऐसा भी नहीं है कि वो लोग प्रोडक्ट्स बहुत घटिया यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग ब्लू स्काई प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ वो लोग शिल्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो शिल्स की नेल पेंट जो मैं एक्रेलिक घर पे करती हूँ ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। सो हाँ, तो अब हम लोग कल आएंगे दुल्हनिया को लेके फाइनली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस दूल्हे राजा के पास। तो कल आपको नेल्स बताएंगे और कहाँ पे है वो भी बता देंगे। ठीक है, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है, तो लास्ट व्लॉग में ना मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि मैंने कुछ कुछ खरीदा हुआ है। मैंने आई थिंक क्रॉक्स दिखा दिए थे जो फुटवेयर हैं, बट मैं कपड़े क्या लेके आई हूँ वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एंड वेस्ट साइड से भी मैंने क्या लिया था वो भी ये देखिए, जो अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है। एंड अभी सुबह सुबह आज भी हम लोगों को जाना है। तो एक्चुअली कल मैं आई थी और आने के बाद मैं क्या करने लगी थी कुछ, तो कल मैं फिर विक्की के साथ भी चली गई थी कहीं काम से, इसलिए मैंने कुछ वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा। अभी सुबह सुबह के वही काम चल रहे हैं, विक्की को ऑफिस निकलना है तो मैं फटाफट से सब्जी वगैरह बना रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ कैरी और पुदीना की चटनी। आज हम लोगों को जाना है 12:30 बजे ज्वेलर की शॉप पे, तो जो नई ब्राइड है, होने वाली ब्राइड है जो ली जाएंगी, मैं जाऊँगी निशा और न्यू ब्राइड, तो उसके लिए कुछ कुछ ज्वेलरी लेनी है। एंड यस, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। है ना, आलू की सब्जी बना रही हूँ नॉर्मल सी, और रायता बनाऊंगी। तो ये बहुत टेस्टी एंड बहुत सिंपल चटनी है, मेरी मम्मी बनाती है और हर चीज़ के साथ जाती है, उन्हीं से पूछ के बना रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी इस चटनी की। तो हमने फ्रेश पुदीना लिया है, बहुत सारा गुड़ आपको ले लेना है और अच्छे से कूट लेना है गुड़ को। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कैरी ली है, अच्छी खट्टी कैरी ले लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी। और हाँ, हरी मिर्ची ज़रूर डालना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हर तरीके का इसमें टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा तीखा एंड सारा टेस्ट आएगा।
हल्की सी चलाने के बाद मैंने यहाँ पर जीरा भी डाला है और साथ में काला नमक डाल दिया था, दैट्स इट। इसमें धनिया नहीं डालना होता है। और ये जो चटनी है ये आपकी 15 टू 20 डेज आराम से लास्ट करती है और हर चीज़ के साथ जाती है, स्पेशली दाल चावल पकौड़े भजिए वजिए सब के साथ जाती है, सैंडविचेस वगैरह सब में। तो ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। मेरा जो किचन है पूरा क्लीन हो चुका है, जो बर्तन है वो भी सब क्लीन हो गए, सारा काम से मतलब अभी फ्री हो गए, खाना बन के रख चुका है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब बस मुझे उसको ड्रॉप करके आना है, फिर आकर के शार वगैरह लूंगा। वो पहले वो लंच करता है, मतलब लंच करके जाता है सुबह वाला तो, और शाम का लेके जाता है। तो चलते हैं विक्की को ड्रॉप करने। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शार, मेरी पूजा कम्प्लीट हो गई है, से लंच करती हूँ मैं और फिर उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो किसी ने बोला था आप इतने लूज कपड़े क्यों पहन रहे हो, लूज कपड़े नहीं पहन रही हूँ मैं, ये देखिए दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल, ये पैटर्न ही ऐसे आते हैं। और गर्मियों में तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को जो लोग ऐसे चिपके चिपके टॉप और जीन्स पहन के घूमते हैं, मैं उनको देख के घबराहट होने लगती है। और मुंबई जैसी जगह में तो आप बिल्कुल मतलब वैसे कोई आया है, एक सेकेंड। ओके सो नाउ वी हैव चेंज इन प्लान, अभी हम लोग जा रहे हैं पहले नेल्स कराने के लिए, तो इन्हीं कपड़ों में जाएंगे नेल्स तो, क्योंकि हमारे एरिया में ही है। घर आएंगे, सब खाना वाना स्टफ इन करेंगे, अच्छा सा पेट भर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे लंबा घाट को पर राजपूत पोशाक के लिए, ज्वेलरी लेने के लिए शिवानी को लेकर के। दिखाऊंगी कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उन लोगों के साथ। मुझे किसी ने लास्ट वीडियो में कॉमेंट किया था रिलेटेड टू दिस, कि ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर की किसी की शादी है, आप इतनी एक्साइटेड दिख रहे हो। तो एक्चुअली में मतलब घर जैसा ही है, मतलब अभी मैं बहुत कैसे बताऊँ आप लोगों को, आपको समझ में आ गया होगा कि आप सोचो ना, मतलब कोई भी आपके भी फैमिली वाले होंगे जो क्लोज वंस होते हैं या एक्सटेंडेड फैमिली होती है, कितने लोगों को ये चीज़ पता होता है। मैंने एक दिन निशा को ये थॉट बोला था, मैंने कहा यार निशा मैं हर जगह जा रही हूँ, अब जैसे निशा के साथ तो ठीक है बट अभी उसका भाई उसकी भाभी भी आने वाली, तो मैंने एक थॉट रखा था कि वो ये ना सोचे कि ये इतना फ्रेंड है इतना क्यों घुस रही है। बोली रुचि, वो मेरे को यही समझा रही थी, कहती है कि तुम ये सोचो कि आज के टाइम पे लोग अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, इवन नॉट इवन इन द फैमिली, और तुम्हें मेरी मम्मी इतना ट्रस्ट करती है कि वो तुम्हें पूरी गोल्ड शॉपिंग, हैवी गोल्ड शॉपिंग, ऐसा नहीं छोटी मोटी 15-20-30-50 हज़ार की चीज़ है ना, हैवी गोल्ड शॉपिंग के लिए वो तुम्हें ट्रस्ट इतना करती है कि तुम्हें लेके जाती है। आज तक किसी को उनका ये सब चीज़ें नहीं पता होता है फैमिली में भी। सो एक्चुअली इट मेक्स सेंस कि कितनी बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा ट्रस्ट मेरे पे करती है। और ना दो तीन ऐसे, एक मैं हूँ, एक निशा हो गई और एक और एक है जिसको आंटी बहुत डॉटर की तरह कंसिडर करती है, तो हम तीन लोग ऐसे, आंटी बोलती है तीनों मेरे पिलर की तरह है शादी में, तुम लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना है ऐसे करके। तो शी ऑल्सो गिव सो मच प्रायरिटी एंड एकदम वार्म फीलिंग आती है, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हम लोग घर पे रह रहे, घर वाली फीलिंग आती है। अभी बस 5-10 मिनट में निकलते हैं नेल्स के लिए। गाइस तो चलिए आपको लेके चलते हैं, भगवान के यहाँ की लाइट बंद कर दूँ, 12 बज चुके हैं। तो यस लेट्स गो, अभी तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब मैं लिटरली जिस तरीके की गंदी सी हालत में थी ना, मैं उसी गंदी हालत में जा रही हूँ। तो यस लेट्स गो। ओके तो मैं आई हूँ और ये मैडम मुझे यहाँ धूप में खड़ा कर रखी है 5 मिनट से। मैंने बोला ना मेरे सारे दोस्त खास लोग सब लेट लतीफ है, महा लेट। तो ये हीरानंदानी स्टेट में द वॉक है, वहाँ पर एक सैलों है, नेल सैलों है द लक्स करके, वहाँ पर ये ऑफर चल रहा था 1000 वाला, तो वहाँ से हमने करवाया। तो अभी जस्ट घर आई हूँ मैं निशा को ड्रॉप करके। ओके गाइस सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, बहुत ही मस्त लग रहा है, मतलब गर्मियों के लिए तो दिस इज बूम। मेरा बैग और साथ में ये रहे मेरे शेड्स और फुटवेयर पहनती हूँ मैं, तो आराम से क्या है ना हम लोग फिर आलती पालती मार के बैठ पाएंगे गाड़ी में भी, क्योंकि टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं फॉर ज्वेलरी शॉपिंग। तो ब्राइड को भी लेके जा रहे हैं हम लोग, ब्राइड जा रही है, ब्राइड की सास जा रही है और ब्राइड की दो नंदे, मतलब मैं भी नंदी कहलाऊंगी। सो हम लोग सब जा रहे हैं एंड मुझे बस वो लोग पिक करते हुए, मतलब मैं गाड़ी से नहीं जा रही, कहीं थाने में रहता तो मैं गाड़ी से जाती, बट अभी हमको वहाँ जाना है और फिर आते आते बहुत ट्रैफिक हो जाएगा, तो इसलिए फिर हम लोग कैब से जा रहे हैं ताकि थक भी जाए ना तो रिलैक्स होते हुए आए। तो यस लेट्स गो। तो ये जो मैं क्रॉक्स के फुटवेयर्स लेकर के आई थी, दे आर सो कम्फर्टेबल, मतलब मैं लिटरली धूप में 4-5 घंटे गर्मी में चली हूँ और मेरे पैर बिल्कुल नहीं दुखे, इतने अच्छे और कंफर्टेबल थे। बहुत गुड लुकिंग नहीं है बट ठीक है यार, कंफर्ट कम्स फर्स्ट। तो हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट, तो ये घाटकोपर मार्केट है और मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ना ये पूरा हल्का हल्का बैंड्रा क्रॉफर्ड मार्केट की वाइब्स दे रहा था। एंड इसी तरीके का मार्केट थाने में भी है, मतलब सब मार्केट ऐसे ही होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक गली में एंटर हुए थे, कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर बहुत सारी शॉप्स थी, वहाँ से हमने सारी शॉपिंग करी है। तो ये हमने बैंगल्स पसंद करे हैं,
ब्राइड के, क्योंकि उसका जो लहंगा है वो ऑरेंज कलर का है जब रिंग सेरेमनी होगी तब, और उसके पहले वो पोशाक पहनेगी. एंड ये उसके नेल्स है जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, न्यूड कलर के लगवाए उसने. आई रियली लाइक द कलर चॉइस. एंड जिस शॉप पे हम आए थे ना वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ईयर रिंग्स थे, काफ़ी यूनिक यूनिक डिज़ाइंस थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे. फिर हम लोग वही ब्राइड के लिए नथ वगैरह देख रहे थे क्योंकि पोशाक पर नथ बहुत अच्छी लगती है. एंड प्रेस करने वाली देख रहे थे बिकॉज उसके भी नोज पियर्सिंग नहीं थी. एंड इस शॉप पे हम फाइनली आए थे. निशा की जो शादी की ज्वेलरी है राजपूत वाली, जो राजस्थानी ज्वेलरी होती है, वो सब उनने यहीं से ली थी, तो उनको पहले से पता था ये शॉप. तो यहाँ पर सब कुछ मिल गया था, मतलब एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम हेयर. एंड लुक एट दिस, मैं सब पहन वहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है एंड ऑल दैट. सब नथ वथ ट्राई कर रहे हैं, सब ने सब सब चीज़ें ली है. निशा ने लिया, मैंने लिया, ब्राइड ने लिया, हम सब ने पूरा पूरा सेट हमको सब मिल गया यहाँ पर. बहुत अच्छा और बहुत अच्छे रेट में मिला है. रेट सुनोगे तो शौक हो जाओगे, मतलब अनबिलीवेबल प्राइजेस थे. यही आप इधर चले जाओ कोलाबा मार्केट वगैरह में तो ये आपको 600-700 रुपये के ईयर रिंग्स मिलेंगे, और हम इतने सस्ते लेके आए ना कि मैं क्या बताऊँ. तो मैं अभी आपको शॉप का नाम भी बता दूंगी. तो एनी राजपूत पर्सन हेयर जिसको ऐसा कुछ चाहिए हो ज्वेलरी, तो वो जा सकता है यहाँ पर. बैंगल्स की डिज़ाइन वगैरह भी बहुत सुंदर थी, बट हम लोगों ने बैंगल्स वगैरह तो नहीं लिए. भैया ये भाई राजस्थान गाइज. सो आई एम बैक होम बट आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड नाउ, मतलब बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सुबह से ही निकले एक तरीके से. बस एक डेढ़ घंटे का अपने घर पे आकर के खाना वाना खा करके थोड़ा लेटे बैठे थे. बाकी आना जाना बहुत ट्रैफिक भी था और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी. हालांकि हम लेके बहुत अमेजिंग चीज़ आए, मतलब इतनी सस्ती डील मैंने कभी देखी ही नहीं है. बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत सस्ता मिला था और पूरा राजपूत जो हम लोगों को चाहिए था उस तरीके का कलेक्शन उनके पास था. तो अभी मैं खाना वाना खाती हूँ और उसके बाद मेरी बिल्कुल हालत नहीं है कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ. तो अभी व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल. हाय एवरीवन, तो आप लोगों से मिल रही हूँ मैं आज, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. मिनी हॉल शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के आई थी. लास्ट व्लॉग में भी मैंने दिखाया नहीं था, तो आज जो मैं कल लेकर के आई हूँ वो भी, और साथ में जो लास्ट व्लॉग में मुझे दिखाना था वो भी, सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी फेवरेट चीज़ बताती हूँ. तो बेसिकली ना देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड एज ट्रू ब्राउन्स, ठीक है. तो इसके ये कोई नया ब्राउन क्यों कह रही हूँ मैं, तो ये कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है. देख रखे थे अजियो पे, हम जब उस दिन मॉल गए ना तो शॉपर स्टॉप पे इनका ब्रांड अवेलेबल है, मतलब वहाँ पर आप टच एंड फील करके देख सकते हो. तो क्योंकि नया ब्रांड है, कभी देखा नहीं है, तो मैंने इसलिए कभी ऑनलाइन मंगवाया नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव ज़रूर है इनके कुर्ते वगैरह. तो जैसे ही मुझे दिखा हम दोनों एकदम हमारे मुँह से भाव निकल गया, उसको टच एंड फील करके देखा. एंड द मोमेंट आई बोर दिस, मतलब जब मैंने इसको ट्राई किया तो मेरी वो जो फ्रेंड थी वो भी बोल लगी रुचि इसको मत छोड़ो बिल्कुल भी, मतलब अदरवाइज ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. ये 4000 का है, 4000 का कुर्ता, और ये नॉर्मल वो भी पहनने वाला मैं कभी नहीं लेती, बट ये इतना सुंदर था पहनने के बाद, इतना कंफर्टेबल था. मुझे पता था कि मैं इसको पहन डालूंगी, बहुत रगड़ डालूंगी समर्स के लिए, तो ये बहुत ही प्यारा है. साइज जो बहुत लूज फैब्रिक के कपड़े होते हैं ना उनमें मैं एक्स्ट्रा स्मॉल मेरे को आराम से आ जाता है. तो हम बिलिंग कराने के लिए गए तो हमारा 500 ऑफ हो गया, तो मतलब 3500 का ये है. बहुत ही मतलब कलर इतना खिलता हुआ है. फिर वेस्ट साइड से मैं कुर्ता लेकर के आई थी, ये वाला जो निशा और हमने एक दूसरे को गिफ्ट किया था. टच कर ली तो मजा भी नहीं आ रहा है, वो टच करती हूँ तो लिनन की बात ही अलग है. ये दिस इज द कुर्ता, व्हाइट कुर्ता. इंस्टाग्राम ब्लॉगर है जिसका नाम है शैली, तो शैली को मैं जानती हूँ तब से जब उसके इंस्टाग्राम पे आई थिंक 5 या 6 हज़ार फॉलोअर्स थे, 3 साल हो गए. शैली इज द वन जो ना बहुत ब्यूटीफुल ऐसे ढीले ढीले लूज कपड़े पहन करके वो वीडियोस बनाती है और बहुत एस्थेटिक वीडियोस बनाती है. तो उसको शी इंस्पायर मी टू वियर दिस काइंड ऑफ लूज कॉटन क्लोथ. लिटरली हमने एक बार लूज कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, देन विल नेवर गो बैक टू दैट. वो चिपके चिपके वाले बॉडीकॉन ड्रेसेस पे तो आप जा ही नहीं सकते हो. अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग जो कल गए थे ना वहां से लेकर के आई हूं. ओके, नाउ दिस इज द नेकलेस. हाँ ना, इमेजिन कि जब मैं इसको सिल्क साड़ी वगैरह पे पहनूंगी तो ये क्या लगेगा, राजपूत पोशाक्स पे पहनूंगी तब ये क्या लगेगा. इतना अमेजिंग लग रहा था मतलब पहनने के बाद. ये है, एक तो मैं ये नेक पीस लेकर के आई हूँ
और साथ में इसकी ईयरिंग्स बताती हूँ। ये इसके ईयरिंग्स है, मतलब इस क्वालिटी के भोपाल में एक शॉप है जिसका नाम है एजीज, वहां पर इस क्वालिटी के ज्वेलरी पीसेस मिलते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम भोपाल यू नो इट, कितने एक्सपेंसिव देती है वो बंदी, कहीं और क्योंकि मिलता है नहीं। तरीके के ज्वेलरी पीसेस वो ढाई ढाई तीन तीन हजार के सेल करती है। इसके बाद जो मैं लेकर के आई हूँ, ये मैं अभी नहीं पहनूंगी पोशाक पे, बस मुझे ये बहुत पसंद आ गया इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड एज राखड़ी, ठीक है, ये मुझे भी नया टर्म पता चला है निशा के साथ रह रहे करके। और दूसरा फिर दिस इज द शीश पट्टी, ये रही शीश पट्टी, ये भी काफी अच्छी, मेरे पास शीश पट्टी थी ही नहीं, ये कुछ ऐसी दिखती है। 100 में लेकर के आई हूँ, नाउ इमेजिन 1200 में ये मिलना, इस तरीके का नेकलेस, इतना मतलब सब काम वाम वाला नहीं मिलता है और इतनी प्यारी फिनिशिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो ये मिला है उस शॉप से। उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ ये हाथ में पहनने के, यहाँ पे पहनने के होते हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़न से, वो मैंने मंगवाया है ये, ठीक है, ये होता है यहाँ पे पहनने का, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं, मैं एकदम वो वर्ड भूल गई हूँ, तो ये यहाँ पे पहनने का है। ये सब मेरे पास नहीं था, मैं एकदम सिंपल पोशाक बस पहन लेती थी, बोर वोर लगा लूँ करके, बट आप सोचो इन्फ्लुएंस देखो आप प्रॉपर ठकुराइन वे में, तो मैं कभी तैयार हुई नहीं हूँ, बट आप मतलब मैंने यही सोच रही थी, विक्की को बता रही थी कि आप जैसे लोगों में रहते हो आप वैसे हो जाते हो, इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हो रहा है। मतलब आई वॉज द वन जो जब मैं शादी करके आई थी, और मैं ब्राह्मण फैमिली से, तो मैंने तो ये सब कभी देखा नहीं था, हमारे यहाँ नहीं होता था ये सारी चीज़ें, तो जब मैं इनिशियली आई थी शादी करके यहाँ पर, राजपूत की इमेज पोर्ट्रे करी गई थी वो इसी तरीके से थी, राजपूत ये राजपूत वो, राजपूत ऐसे होते हैं, राजपूत डोमिनेटिंग होते हैं, इनके आगे लड़के ऐसे होते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव, बिकॉज आप वही 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 चीज़ें सुन रहे हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो समवेयर आपके दिमाग में वही चीज़ होने लगती है। अजीब सी ना मेरे अंदर चिड़ सी आ गई थी। 2016-17 के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे एज की बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई थी मेरे आसपास वाली जितनी भी है, तो सबसे बात वगैरह होती थी, सबके एक्सपीरियंसेस सुनते थे, तो अब क्या होता था इनिशियली होता है यार, देखो इनिशियली मुझे ऐसा लगता है शादी का एक साल एक से दो साल प्रॉब्लम्स आर वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल होती है प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि आप भी किसी और के घर में नए नए जा रहे हो, सामने वाला भी आपको एडजस्ट, मतलब आप सोचो ना अचानक से मेरे घर में कोई अननोन पर्सन आके रहने लगे तो मुझे भी कितनी डिफिकल्टी होगी एडजस्ट करने में, और जो एक अननोन पर्सन आ रहा है आपके घर में उसको भी कितनी डिफिकल्टी होगी, तो दोनों तरफ को ही प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि इन लॉज को प्रॉब्लम नहीं होती होगी या बहू को प्रॉब्लम नहीं, मतलब सबको ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, एंड स्टार्टिंग में 1 to 2 years थोड़ा सा चीज़ें खिचपिच रहती हैं, फिर आपके ऊपर है और आपकी मेच्योरिटी और आपके इन लॉज की समझदारी के ऊपर है कि आप लोग कैसे उसमें फिर जेलअप होते हो। मेरी जो फ्रेंड्स लोगों की शादी होती हुई हुई थी, मैं उनसे बस ये सुनती रहती थी, अरे ये ऐसा वो वैसा, इनके कल्चर में ऐसा होता है, इनके ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, तो भाई मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई थी। इसी से रिलेटेड एक और बात आपको बताऊंगी, तो क्या था ना, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, मेरा बहुत नेगेटिव माहौल था, नेगेटिव माहौल इन द सेंस मीन सास ननंद और जेठानी का एकदम परचम भारी, और ये सब बहुत नेगेटिव चीज़ें थी, तो शी यूज़ टू टेल मी एवरीथिंग जो भी हो रहा है, और मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता था, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो मेरी जब शादी हुई तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस दिमाग में, वो जो नेगेटिव पार्ट भरा हुआ है वो था ना मेरे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो क्या हो रहा था ना, मेरी भी एक गलती थी कि छोटी छोटी चीज़ों को मैं भी माइंड कर जाती थी, जो चीज़ें हम शायद घर पर अवॉइड कर देते हैं। आप जब आप ये बातें, अब आपके साथ कुछ हुआ, आपने अपने फ्रेंड को बताया, उसके साथ कुछ हुआ, उसने आपके फ्रेंड को बताया, दूसरे फ्रेंड से आप बात कर रहे हो वो भी अपनी सास की और ननंद की बुराई कर रही है, तीसरे से आप बात कर रहे हो वो भी आप सास बहू ननंद यही सब चल रहा है, तो दिमाग में ना फिर वही सब चलने लगता है। जब आप यही सब बातें करते रहते हो ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ भी होने लगती हैं, मतलब नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं घर का माहौल ख़राब होता है, घर की एनर्जीज खराब होती हैं, आपकी खुद की मेंटल पीस खराब होती है। तो कंक्लूजन ये है कि द मोमेंट आई स्टॉप टॉकिंग डिस्कसिंग एंड ओवर एग्जैजरेट करना, मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया और चीज़ें में सोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया, ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हो, चीज़ें सिंक में आ गई, ऑटोमेटिकली शांति हो गई, ऑटोमेटिकली सब कुछ स्मूथली होने लग गया, सब शांति से रहने लग गए, ऐसा हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप कैसे लोगों में रहते हो, क्योंकि मैंने ये क्यों बताया, तो अभी जैसे मैं निशा और इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आई हूँ, तो इनसे मैं कॉन्टैक्ट में 2019 से ही हूँ, बट हमारी फ़ोन पे बात होना स्टार्ट हुई है 2020 से, 2021 से हमने मिलना स्टार्ट किया। मैं इनके साथ रहना स्टार्ट हुई, इनकी फैमिली से मिली और इन लोगों में रही, तो दे आर वेरी यू नो प्राउड राजपूत एंड जय राजपूताना वाला, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पता चली राजपूत कल्चर के बारे में, और मुझे भी मज़ा आता है, हाँ यार बताओ मैं इतने अच्छे कल्चर में मेरी शादी हुई है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस कल्चर, और ये और वो सब मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आता गया जब मैं ये देख रही हूँ सारी चीजें जो मैंने इतनी चपड़ बातें करी है। इसका बताने का पर्पस ये था
कि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि आप कैसे लोगों में रहते हो, उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में कितना भयंकर पड़ता है। जबकि मैं अपने थॉट प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे हर कोई कन्वेंस नहीं कर सकता, बट रहते 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 ना ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं फीड होती जाती है चीज़ें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर सर्कल वाइसली। आज का वीडियो यही खत्म करती है, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना दिखाने के लिए। हाँ, मैंने शायद इतनी चीज़ें खरीदी है मैंने, और कुछ नहीं खरीदा है। हाँ, और एक और चीज़, मेरे को अभी मेरी जो वो जो एक वॉच पहन रही हूँ ना मैं, उसके लिए और मेरे ब्रेसलेट्स के लेकर के बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वैसे ही मैंने बहुत बातें कर ली है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट